आज क्लास 10 की एक्सरसाइज 7B का सवाल नंबर 5 बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समप्रभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक क्या कीजिए। बिंदु दे रखे हैं 4, -1 बिंदुओं 4, -1 तथा -2, -3 इन बिंदुओं से बनने वाली रेखा को समप्रभाजित करने पर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। समप्रभाजित वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मान लो ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है ना, और ए बिंदु के निर्देशांक 4, -1 और बी बिंदु के निर्देशांक -2, -3 है। इस बिंदु को समत्रिभाजित माने 3 बराबर भागों में बांटना है। ये हो जाएगा सी बिंदु और ये हो जाएगा डी बिंदु, ठीक है। तो ये आपकी रेखा 3 बराबर भागों में बट गई, ए सी, सी डी और डी सी। एसी, सीबी और डीसी ये 3 बराबर भागों में बढ़ गई। ए के निर्देशांक है 4, -1, बी के निर्देशांक -2, -3 और सी और डी के निर्देशांक बताना है। तो सबसे पहले मान लो कि माना एसी बराबर सीबी बराबर डीबी बराबर एक्स, मतलब प्रत्येक के बीच की जो दूरी है, प्रत्येक के बीच की जो लंबाई है वो एक्स है। एसी की लंबाई एक्स, सीडी की लंबाई एक्स, डीबी की लंबाई एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले एसी का अनुपात निकालना है, तो एसी बटे सीबी बराबर सीबी, एसी अनुपात सीबी बराबर यहां पर हो जाएगा एसी बटे सीबी। सीबी किसके बराबर है? सीबी प्लस डीबी के बराबर है। ये हो जाएगा एक्स बटे एक्स प्लस एक्स, एक्स बटे 2x बराबर 1/2। तो यहां पर आ जाएगा एसी अनुपात सीबी बराबर 1/2। तो ये अनुपात आ गया, इसका अनुपात 1 और इसका अनुपात 2। ए से सी तक का अनुपात 1 और सी से बी तक का अनुपात कितना निकल आया? 2। फिर इसके बाद इसका अनुपात निकालना है, ए सी ए डी बटे डी बी बराबर ए सी प्लस सी डी बटे डी बी की। यहाँ पर एक्स प्लस एक्स बटे एक्स बराबर 2x और एक्स बराबर 2/1। यहाँ पर आ जाएगा AD अनुपात DB बराबर 2/1, ठीक है। तो यहां पर देखिए 2 आपके अनुपात निकल आए, AC अनुपात CB। इस अनुपात पर आपका C बिंदु प्रक्षेप हो रहा है और AD अनुपात DB, इस पर DB आपका प्रक्षेप बिंदु है ना। तो दोनों के निकाल दो, सी अंतर सी के निर्देशांक बराबर, सी के निर्देशांक बराबर m1 x2 m2 x1 upon m1 plus m2 upon m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। ये अंतर जो आ गया सी के निर्देशांक, तो m1 पहले वाले में कितना निकला है? 1/2 है, तो m1 एक है और m2 दो है, x1 y1 x2 और y2। यहां पर हो जाएगा 1 × -2 + 2 × 4 1 + 2।
फिर एक इंटू माइनस तीन, दो इंटू माइनस एक, एक प्लस दो, माइनस दो प्लस आठ बटे तीन, माइनस तीन और माइनस दो बटे तीन, तो ये आ जाएंगे छः बटे तीन माइनस पाँच बटे तीन बराबर आ जाएगा दो माइनस पाँच बटे तीन। एक बिंदु के निर्देशांक दिया है, ठीक है। फिर अगला बिंदु कौन से निकालना है? डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक। तो एम वन, अब देखिए जब बी के निकालेंगे तो अनुपात आप ये काम करेंगे, ठीक है, दोनों का अनुपात निकाले बैठे, दो इंटू माइनस दो, एक इंटू चार, दो प्लस एक, दो इंटू माइनस तीन, दो इंटू यहाँ पर हो जाएगा दो अनुपात एक है, और एक इंटू माइनस एक बटे दो प्लस एक बराबर आ जाएगा दो गुणी चार प्लस चार बटे तीन, और माइनस तीन गुणी छः और माइनस एक बटे तीन, ये हो जाएगा जीरो बटे तीन माइनस सात बटे तीन, उसकी निर्देशांक हो जाएगी जीरो पावर माइनस सात बटे तीन। तो ये सम विभाजित बिंदुओं के निर्देशांक आ गए दो कॉमा माइनस पांच बटे तीन, जीरो कॉमा माइनस सात बटे तीन। तो आप किसी भी रेखा को सबसे पहले उसमें क्या करना है? अनुपात में बांटना है। जैसे ये सम त्रिभाजित का सम चतुर्भाजित होता ए बी सी डी और ई, यहाँ पर ये और ये सब के सब क्या है? बराबर है। ए सी बराबर, सी डी बराबर, डी ई बराबर, ई डी, ये सब के सब बराबर है, बराबर x समझिए। अब जैसे इसका अनुपात निकालना है ए सी बटे सी डी बराबर ए सी बटे सी डी की जगह पहले सुन लो सी बी प्लस डी ई प्लस ई डी, ये हो जाएगा x बटे x प्लस x प्लस x बराबर एक्स बटे थ्री एक्स बराबर एक अनुपात तीन। तो इसका अनुपात एक अनुपात तीन है। फिर हम बी का निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हो जाएगी ए डी बटे डी बी बराबर ए सी प्लस सी डी बटे डी ई प्लस ई बी, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स और एक्स प्लस एक्स बराबर टू एक्स और टू एक्स बराबर आ जाएगा एक अनुपात एक। फिर हम किसका निकालेंगे e, तो यहाँ पर आ जाएगा ए ई बटे ई बी बराबर ए ई किसके नाम के बराबर है? ए सी प्लस सी बी प्लस बी ई के बराबर है बटे ई बी, ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स बटे एक्स बराबर थ्री एक्स अपॉन एक्स बराबर तीन बटे ए। तो देखिए इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात है एक अनुपात तीन, और इस भुजा का अनुपात एक और इस भुजा का अनुपात एक है, और जब इसके निकालेंगे तो इसका अनुपात आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक तीन और इसका अनुपात आ जाएगा एक। तो अलग अलग तरीके निकालेंगे, जब सी का निकालेंगे तो ये अनुपात काम करेंगे, जब बी का निकालेंगे तो ये अनुपात काम करेंगे, जब डी का निकालेंगे तो ये अनुपात काम करेंगे, ठीक है। तो चाहे सम त्रिभाजित हो, चाहे सम चतुर्भाजित हो, चाहे सम पंचभाजित हो, हमें अनुपात ये निकालना है, और आपकी ए और बी के निर्देशांक जैसे इस पर दे रखे वैसे निर्देशांक दे रखे होंगे, सब में अंतर विभाजन के निर्देशांक निकालना है, अंतर विभाजन सी के निर्देशांक, अंतर विभाजन डी के निर्देशांक, अंतर विभाजन ई के निर्देशांक। इसके बाद सवाल नंबर छठवां, छठवें में कह रहा है कि एक रेखा का एक अंत बिंदु, एक रेखा का एक अंत बिंदु 13.19 है, यदि उसका मध्य बिंदु -9.30 हो तो दूसरा अंत बिंदु ज्ञात कीजिए, दूसरा अंत बिंदु ज्ञात कीजिए। एक रेखा का एक
अंत बिंदु दे रखा है 13.19 और मध्य बिंदु दे रखे हैं, मध्य बिंदु है -9.30। तो दूसरा मध्य बिंदु निकालना है, तो मान ले कि माना दूसरा अंत बिंदु x2, y2 है, ठीक है। तो मध्य बिंदु दे रखा है, तो मध्य बिंदु ये है, एक बिंदु दे रखा है, दूसरे बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु दिया है, दूसरा मध्य बिंदु दूसरे के निर्देशांक निकालना है, तो अलग अलग तरीके निकालेंगे। मध्य बिंदु माने भुज, भुज का अलग निकालेंगे और कोटी का अलग निकालेंगे। तो भुज बराबर x1 + x2/2, और भुज माने मध्य बिंदु कितना दे रखा है -9, x1 है 13 प्लस y2 x2 निकालना है / 2, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2, लेकिन उसमें एक साथ निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमारे पास मध्य बिंदु दे रखे हैं, दूसरा अंत बिंदु निकालना है, तो अलग अलग करके निकालेंगे, जिससे x पहला मध्य बिंदु जो है वो आपका भुज है, दूसरा मध्य बिंदु आपका कोटी है। त्रिया गुणा कर लो, 9 × 18 बराबर 13 + x2, तो यहाँ पर आ जाएगा x2 - 18 और -13, तो x2 - 31, ठीक है। दूसरे अंत बिंदु का भुज आ गया -31। फिर इसके बाद कोटी, कोटी बराबर y1 + y2/2, 30 = y1 है 19 + y2/2, 3 × 7 19 + y2 = 60, तो y2 = 60 - 19, y2 = 41। तो दूसरा अंत बिंदु, आपका था x2, y2, तो आ गया -31, 41 -31, 41। अब अगर इस बिंदु और इस बिंदु के मध्य बिंदु निकालोगे तो आपके मध्य बिंदु ये निकलेंगे, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकलेंगे। इसका सवाल नंबर 7, बिंदु ए -4, -3, बी 5, 2 सो खींची जाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में काटती है। बिंदु दे रखे हैं ए -4, -3 तथा बी का दे रखा है 5, 2 खींची जाने वाली रेखा रेखाखंड एक्स अक्ष पर बिंदु x, 0 पर काटती है, क्योंकि x अक्ष पर काट रही है, और x अक्ष पर काट रही है तो x अक्ष के निर्देशांक हो जाएंगे x, 0, और कह रहा है किस अनुपात में काटती है, तो अनुपात हमें क्या करना है, निकालना है। यहां पर m1 अनुपात m2 ये आपको ज्ञात करके देना है। x अक्ष पर काट रही है तो x, 0, y अक्ष पर काट रही होती तो 0, क्या हो जाता है, y हो जाता, क्योंकि 0, कोटी और यहाँ पर भुज, 0 है। तो यहाँ पर बिंदु x, 0 पर काटती है तो यहाँ पर हो जाएगा कोटी बराबर, कोटी से लगाइए, x अक्ष है तो कोटी से लगाइए, y अक्ष होता तो भुज से लगा देते, तो कोटी बराबर m1 x2 y2 + m2 y1 upon m1 plus m2। यहाँ पर कोटी बराबर हमारा 0 है, m1 × y2 5 है +m2 × -3/m1 + m2, ये गुणा कर लो, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 5 m1
समांतर कर लो तो एम वन बटे एम टू बराबर 3/5, तो एम वन अनुपात एम टू बराबर आ जाएगा 3/5। ये आपका एक्स अक्ष पर आ गया। अगर इसी पर आपसे सवाल पूछ लेता कि बिंदु 4-3 तथा बी 5-2 से खींची जाने वाली रेखा खंड वाई अक्ष पर, अगर वाई अक्ष पर पूछ देता तो वाई अक्ष पर बिंदु 0, y पर काटती है। अगर एक्स अक्ष पर पूछा गया था तो x, 0 पर काटती है। अगर वाई अक्ष पर पूछता तो बिंदु 0, y पर काटती है। तो वाई अक्ष पर काटने तो इसको काट लगा देंगे भुज से, भुज बराबर m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। अब इसको लगाओगे तो यहाँ पहले है 0, भुज बराबर 0 है, m1 की जगह पे m1 इंटू 5 और प्लस m2 इंटू 4 बटे m1 plus m2। तो ये आ जाता 5 m1 plus 4 m2 बराबर 0, तो 5 m1 बराबर -4 m2, तो m1 बटे m2 बराबर -4/5, तो m1 अनुपात m2 बराबर हो जाता 4/5। अब अंतर क्या जाता, ये अंतः विभाजक की अनुपात है, लेकिन अगर माइनस आया है तो माइनस लिखिए नहीं, लेकिन ये बाह्यता विभाजन के अनुपात होंगे। ये बाह्यता विभाजन के अनुपात है और ये अंतः विभाजन के, अगर प्लस में है तो अंतः विभाजन के, अगर माइनस के अनुपात निकल रहा है तो ये बाह्यता विभाजन के अनुपात होंगे। तो एक्स अक्ष पे पूछेगा तो इस तरीके से लगाएंगे, अगर वाई अक्ष पर पूछेगा तो इस तरीके से लगाएंगे। तो आपको ये दोनों तरीके से सवाल हो गया, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, अगर दोनों पूछता है तो दोनों लगाने पड़ेंगे, अगर एक पूछता है तो कोई भी एक लगा सकते। तो यहाँ पर जैसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर लिखा था कि m1 y2 की जगह पर 2 है, यहाँ पर 2 कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ 2 कर देंगे, तो जब आप क्रिया गुणा करोगे तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका जाएगा 3/2, तो अनुपात हो जाएंगे 3/2, ठीक है 3/2। बस केवल और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से हम एक्स अक्ष के अनुपात निकालेंगे और इस तरीके से हम वाई अक्ष के अनुपात निकालेंगे। इसके बाद अगला सवाल है, आत्मा बिंदु -3, 10 6, -8 को जोड़ने वाली रेखा खंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं। देखिए ये अंतर विभाजन की निर्देशांक है, कौन -1, 6 ये अंतर विभाजन के निर्देशांक है और बिंदु -3, 10, 6, -8 ये ए और बी के निर्देशांक है। तो सबसे पहले देखो बिंदुओं -3, 10 तथा 6, -8 ये आपके बिंदु दे रखे हैं, अनुपात निकालना है, अनुपात आपको ज्ञात करना है, m1 अनुपात m2 ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है अनुपात भी ज्ञात करना है, और किस अनुपात में विभाजित करते हैं, जिस अनुपात में विभाजित करते हैं उस बिंदु के निर्देशांक है। अंतर विभाजन पी के निर्देशांक दे रखे हैं, अंतर विभाजन पी के निर्देशांक है -1, 6। अब चूंकि अंतर विभाजन के निर्देशांक दिए हैं, बिंदु दे रखे हैं, अनुपात ज्ञात करना है, कि डायरेक्ट आपका एक शर्त नहीं लगेगा पारूरा, क्योंकि आगे अंतर विभाजन पी के निर्देशांक क्या होते हैं, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, ये किसका हो गया, हो चुका। अब कोटि का क्या होता है, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, भुज का अलग होता है और कोटि का अलग होता है, और जब हम अनुपातों को निकालें या इनको
केवल एक साथ जब भी लगा सकते हैं जब आपको अंतर विभाजन पी के निर्देशांक निकालने हो। तो सबसे पहले भुज से, भुज बराबर एम वन एच टू प्लस एम टू एच वन अपॉन एम वन प्लस एम टू। अब भुज बराबर हमारा कितना दे रखा है, माइनस एक, एम वन इंटू एच टू छः है प्लस एम टू इंटू माइनस तीन बटे एम वन प्लस एम टू। इनका बेटा क्लियर हुआ था, तो छः एम वन माइनस थ्री एम टू बराबर माइनस एम वन माइनस एम टू। कक्षांतर करेंगे, छः एम वन प्लस एम वन माइनस एम टू प्लस तीन एम टू, पी हो जाएगा सात एम वन बराबर दो एम टू। तो एम वन बटे एम टू बराबर हो जाएगा दो बटे सात। तो एम वन अनुपात एम टू बराबर आ जाएगा दो अनुपात सात। अब अगर भुज से निकाला है तो भी यही अनुपात है, अगर कोटी से निकालोगे तो भी यही अनुपात निकलेगा। अब क्या लिखेंगे, कोटी बराबर एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन, एम वन प्लस एम टू। और कोटी बराबर हमारा कितना है, छः, एम वन इंटू वाई टू माइनस आठ प्लस एम टू इंटू दस बटे एम वन प्लस एम टू। इनका त्रिक गुणा करेंगे तो माइनस आठ एम वन प्लस दस एम टू बराबर छः एम वन प्लस छः एम टू। तो माइनस आठ एम वन इस तरफ आ जाएंगे तो माइनस के छः एम वन, छः एम टू माइनस के दस एम टू, तो ये हो गया माइनस के चौदह एम वन बराबर माइनस के चार एम टू। माइनस माइनस काट दो, दो सत्ते चौदह, दो दूनी चार, तो सात एम वन बराबर दो एम टू। तो एम वन बटे एम टू बराबर आ जाएगा दो बटे सात, एम वन अनुपात एम टू बराबर दो अनुपात सात। यानी कि जो बिंदु है माइनस तीन कॉमा दस, छः कॉमा माइनस आठ को दो अनुपात सात के अनुपात में क्या करते हैं, अंतर विभाजित करते हैं, और अंतर विभाजित पी के निर्देशांक क्या है, माइनस एक कॉमा छः। अगर इन बिंदुओं के द्वारा इस अनुपात से अंतर विभाजित किया जाए तो अंतर विभाजित पी के निर्देशांक कौन निकलेंगे, माइनस एक कॉमा छः ज्ञात होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर विभाजित पी के निर्देशांक दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं, और हमें अनुपात ज्ञात करना है एम वन और एम टू। तो केवल हम इतने से भी ज्ञात कर सकते हैं, या हमें ये सिद्ध करना है कि नहीं हमारा सवाल सही है, तो हम दोनों भुज और कोटि दोनों से निकाल सकते हैं, या सिंगल कोई एक से निकाल के लगा सकते हैं। ठीक है, इसका आधा भी लगा सकते हैं, पूरा भी लगा सकते हैं, ये आप संतुष्टि पर है कि देखना है कि हमने सही लगाया है गलत निकाला। तो अगर इससे लगाएंगे तो भी हमारे वही अनुपात निकलेंगे, और इससे लगाएंगे तो भी वही अनुपात निकलेंगे, यानी कि दोनों अनुपात सेम निकल चुके हैं, एक ही बिंदु के निर्देशांक और उनके अंतर विभाजन के निर्देशांक दे रखे हैं। तो यहाँ पर दोनों अनुपात जो है वो सामान्य अनुपात है।